मैं कॉर्डियल एम पब्लिकेशन से बोला था। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि पॉमेस्ट्री या हैंड रीडिंग के हिसाब से किस लड़की से शादी करनी चाहिए या किस नहीं करनी चाहिए। तो आप जनरली देखेंगे कि जिस भी लड़की का अंगूठा ऐसा जो अंगूठा एकदम टाइट रहता है, तो उनकी विल पावर बहुत अच्छी होती है। पॉजिटिव में देखेंगे तो विल पावर बहुत अच्छी होती है, जो ठान के रखते हैं वो करके रखते हैं, बहुत अच्छा होता है। लेकिन जनरली, हाँ, ऐसा नहीं मतलब हर लड़की ऐसी होगी, तो जनरली क्या होता है कि जिसका अंगूठा झुकता नहीं तो वो लड़ाई झगड़े हुए मियाँ बीवी के, तो आगे वो झुकेगी नहीं, आपको ही झुकना पड़ेगा। कल को वो मायके चले गई या कल कुछ कम ज़्यादा हो गया तो वो झुकेगी नहीं, और डिवोर्स होने के ज़्यादा चांस भी देते हैं उस केस में। तो आप ये देखेंगे, ऐसा नहीं बोलता कि हर लड़की ऐसी होगी, पर जनरली 60-70% 80% आप उसका अंदाज लगा सकते, वो झुकने का काम नहीं करती, फिर लाइक कट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, ऐसा था तो सर कटा देंगे लेकिन झुकाने का नहीं, ऐसा हिसाब देता। तो उस लड़की से आप शादी करेंगे तो प्रॉब्लम देगी। दूसरा है, एक जैसे जिस भी लड़की के अंगूठा पाँव के अंगूठे के पास की उंगली, ये पाँव का अंगूठा होगा उसके पास की उंगली, जैसे एग्जांपल लीजिए पाँव का अंगूठा है इसके जस्ट पास की उंगली, ये इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसी बड़ी होती तो क्या होता है, वो लड़की अपनी वाली चलाती है, शासन करती है अपने ऊपर। तो आप कभी, आपको ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जनरली आप देखेंगे कि उसका शासन चलता है घर पे, वो अपने को डोमिनेट करने की कोशिश करती है, वो हमेशा अपने आप को अपने से ऊपर दिखाने की कोशिश करती है। तो आप उससे करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा डोमिनेंस, क्योंकि आदमी का डोमिनेंस ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा मेरा मानना तो नहीं, पर जनरली आप देखेंगे तो डोमिनेट करने की कोशिश करती है। अभी आप जनरली कोई म्यूचुअल देता तो चलता है, ऐसा कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होता, अब मेरे हिसाब से डोमिनेट करने की कोशिश करती है। अब जिसके घर में मम्मी की चलती है, तो जिसके घर में मम्मी की चलती है तो उससे भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों, मैं लॉजिक हमेशा देता हूँ कि जैसे मम्मी की चलेगी ना, ऐसे बंदा बंदा से सीखता है, ऐसे वो भी अपनी मम्मी से सीखेगी कि वो कैसे अपने पति को दबाती है, कैसे काम लेती है, कैसा क्या उसको ट्रीट करती है, कैसे उसके ऊपर शासन करती है, तो उसको भी खुद के इसमें आ जाता है वो भी चीज़। तो वो भी अपने को भी दबाने की कोशिश करेगी। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार हर घर में अलग अलग चीज़ें थी, तो कोई दबता आदमी कोई नहीं दबता, तो यहाँ पर क्लेशेस नहीं होने चाहिए, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं, यार ऐसा मत सोचिए कि यार दबना ना आदमी और दबे तो प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, पर क्लेशेस नहीं हो, आदमी के ईगो प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि सपोज को किसी को आदमी की ईगो चलती कि नहीं अपने घर में चलनी चाहिए, तो उन लोगों ने उसके जिससे मम्मी के घर में चलती है उससे शादी नहीं करनी चाहिए, क्लेशेस नहीं हो उसके लिए, ईगो क्लेशेस नहीं हो उसके लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं यार कोई किसी के भी सुने घर में एक अमिताभ बच्चन होना चाहिए। अब आप डिसाइड करो कि मियाँ अमिताभ बच्चन है या कि बीवी अमिताभ बच्चन है, कोई भी घर में एक ही राजा होना चाहिए, एक ही राजा होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसी के भी एक घर में एक ही चलनी चाहिए, तो मियाँ हो या बीवी हो, तो आप जो भी एक्सेप्ट करना है जो सुपीरियर हो उसकी सुनने का कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जैसे मम्मी के घर में चलेगी तो वो डोमिनेट करती है, अभी ये कैसे मालूम चलेगा कि किसकी मम्मी के घर में चलती है कि पापा के घर में चलती है। अभी जिसके घर में जैसे मम्मी के यहाँ के ज़्यादा मेहमान आएंगे, जैसे मामा मौसी नानी नाना ये लोग आएंगे तो मम्मी की चलती है। जिसके घर में ज़्यादा काका चाचा दादाजी दादी जी इस टाइप के लोग आएंगे तो उसमें पापा की चलती है, तो इससे मालूम चलता है कि अपने को किसकी चलती है, ठीक है। तो ईगो क्लेशेस नहीं हो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यार ऐसा पर्सनली नहीं लेने का, आजकल क्या फेमिनिज्म चल रहा, तो कोई बोलेगा कि यार हमको ऐसा क्यों बोल रहे हैं, गर्ल्स के गर्ल्स नहीं चला सकती क्या, ऐसा कुछ भी नहीं, अपने अपने चॉइस है। जिसके घर में भी वकील हो या कोई डिवोर्स का केस चल रहा हो या कोई डिवोर्सी हो, तो भी लड़के आके इंस्पायर होती है कि यार नहीं यार उनने नहीं सुना तो हम भी नहीं सुनेंगे, वो अब वकील भी थोड़ा सा अपने को समझा देता, कल लगाता अपना केस लगाने के लिए, आजकल इतने अच्छे अच्छे धारे आ गए कि आदमी फंस ही जाएगा उसमें, तो उस केस में भी नहीं चाहिए कि यार कोई कोई औरत है जो उससे एलिमनी ले रही 10-15 हज़ार 20-25 हज़ार रुपये एलिमनी ले रही है उसके घर में, तो उस केस में भी नहीं चाहिए, ऐसा रहेगा तो वो क्या इस पर आ जाएगी ना,
अलग अलग चलता है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, बाकी अभी उससे उल्टा भी इंस्पायर हो सकती है कि अपनी बहन की शादी अच्छी नहीं हुई तो अपन अच्छी करो, ऐसा भी हो सकता। तो मैं जनरल बता रहा हूँ, ठीक है। जो लड़की अपने पापा से प्रेम नहीं करती या उसकी इज्जत नहीं करती है, उससे भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल है। क्योंकि वो पापा की इज्जत नहीं करेगी तो पपी है ना, उसके पति को भी इतना प्रेम नहीं दिखाएगी, या आदमी के बदले उसको प्रेम नहीं देगा तो वो भी दिखता है कि उससे भी नहीं करनी चाहिए। ये सब मेरे प्रिडिक्शन है, जरूरी नहीं कि आप उसको अप्लाई करें, ठीक है। तो वो पापा जैसे पापा के ऊपर राज करेगी या ऐसे कुछ होता है, प्रेम होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो मेल मेल की तरफ अट्रैक्शन होता है तो अच्छा होता है, तो उस केस में ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो देखेंगे कभी पापा से जमती है तो बहुत अच्छा होता है, रिलेशनशिप अच्छी बह के आती है, तो वो भी देखिएगा। अभी जैसे किसी लड़की के सब उसको शादी के आप उल्टे हाथ के ना वो लिटिल फिंगर के नीचे का भी देखिएगा कि यार अभी जैसे 20-25 की तो 5-10 लाइन तो नहीं है, 4-5 लाइन तो नहीं है, इससे ज़्यादा लाइन भी नीचे देखा मैं ये अंगूठे के उल्टे हाथ के अंगूठे के नीचे यहाँ पर देखेंगे तो ज़्यादा लाइन ही होनी चाहिए। ज़्यादा लाइन में तो कुछ अफेयर वगैरह भी दिखाता है बाद में, अफेयर भी दिखाता है शादी के बाद अफेयर दिखाते, या 2-3 शादी के योग भी दिखाते, तो कोशिश ये करने का कि यहाँ पर ज़्यादा लाइन नहीं हो, सिंगल सिंगल लाइन हो, तो उससे शादी करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये भी देखिएगा, नहीं तो क्या 2-3 लाइन होगी तो एक के बाद दो मैरिज भी दिखाता है, या आफ्टर मैरिज अफेयर भी दिखाता है, तो वो भी देखने का कि यहाँ पर ज़्यादा लाइन नहीं होनी चाहिए। अभी कोई भी लड़की है तो अपने से ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, ज़्यादा स्टडी की हो, जिससे उसको वो 11th 12th है या BCom है या ग्रेजुएशन है, लेकिन वो पोस्ट ग्रेजुएशन, आजकल तो उल्टा हो गया कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है, ज़्यादा स्टडी होती है, ज़्यादा स्टडी करती है, जो ज़्यादा कमाती भी है। तो क्या होता है, एक आदमी जेनेटिकली देखेंगे तो आदमी आदमी हमें औरत हमेशा सुपेरियर को पसंद करती है, अपने से सुपेरियर को, जैसे वो डॉक्टर है तो उससे भी अच्छा डॉक्टर, MBBS है तो उसे MD वाला पसंद करेगी। जनरल आदमी की टेंडेंसी होती है कि वो अपने से सुपेरियर को पसंद करती है, फिर तो वो उसकी इज्जत देती है। ज़िंदगी में इज्जत बहुत बड़ी बात है, कभी वो इज्जत ही नहीं देगी तो प्रेम भी नहीं करेगी। तो अपने से सुपेरियर को जब तक वो इज्जत नहीं देगी तो अब उसको ये लगेगा 10th पास से, 11th पास से, 10th ग्रेजुएशन है, तो उसको इन आदमी को भी इन्फेरियरिटी फील होगी कि अरे यार अपन से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, वो कहीं पे भी कुछ ज़्यादा सा भी बताएगी तो उसका ईगो क्लेश होगा कि यार मैं को अक्कल नहीं, क्या मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा क्लेशेस जैसे पिक्चर में दिखाते वैसा क्लेशेस होते रहते हैं, ईगो क्लेश हो जाएगा, उसको लगेगा कि यार अपने को ज़्यादा समझा रही है, अपनी पढ़ाई दिखा रही है, स्टडी को ज़्यादा दिखा रही है, वो औरत को लगेगा कि यार इतना भी नहीं आता है, तो सिंपल चीज़ है। तो इज्जत मेन होती है, औरत हमेशा उसे इज्जत करेगी तो ही उसको प्रेम भी करेगी, या उसको इज्जत नहीं देगी तो आगे कंटिन्यू भी नहीं करेगी, ठीक है। अभी अपने से ज़्यादा पैसे कमाने वाली, ज़्यादा पैसे वाली भी होगी, अभी उसने भी अभी सपोज को आपने किसी कार वाली, कभी कभी कोई लोग दहेज वगैरह के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अपने से ज़्यादा पैसे वाले को करते हैं, कभी भी अपने से ज़्यादा पैसे वाले से शादी नहीं करने का। अभी किसी को चाहिए दहेज, क्या 1 साल 2-4 साल चलेगा वो, उसके बाद या दहेज का मैं प्रेफर नहीं करता, लेकिन लोग जनरली ज़्यादा पैसे वाले को प्रेफर करते, पर ज़्यादा पैसे वाले प्रेफर नहीं करने का, क्योंकि वो अपने हर चीज़ में आगे रहती है, तो वो हमेशा अपने को डोमिनेट करती है। तो अभी अपन मेल मेल समाज में तो ऐसा मैं नहीं बोलता कि डोमिनेंस पर ले, कोई अपने से सुपीरियर हो तो उसको एक्सेप्ट करने का है ना, एक ही राजा हो घर में तो बहुत अच्छा होता है, वे आप एक्सेप्ट करो कि वो होशियार है तो उसकी चलने दे तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं जनरल बता रहा हूँ कि ऐसा है तो अच्छा होता है। अपने से पैसे वाली होगी तो उसने हर चीज़ एक्सपीरियंस कर रखी होगी, अभी अपने कार भी नहीं ली होगी, उसने कार चला के देखी होगी, उसने हवाई जहाज नहीं विदेश में जाके देखी होगी, तो अपने को आप इससे बताएगी ऐसा नहीं ऐसा होता ऐसे नहीं होता, तो आदमी का ईगो में बहुत अटक जाता है, आदमी का ईगो बहुत हर्ट होता है, तो वहाँ से क्लैशेस चालू हो जाते हैं। ईगो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है आदमी की, फैमिली लाइफ में ईगो की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसको
ईगो हो गया कि आने यहाँ या अपने को ज़्यादा ज्ञान बांटती तो भी एक प्रॉब्लम होता है। कभी कोई आदमी की चलो ठीक है मान लिया चलो होशियार है ऐसा मान के चला तो कोई बात नहीं, ऐसा मान भी लेने का। कभी कभी लड़कियाँ बहुत होशियार होती है, ज़रूरत से ज़्यादा होशियार होती है, हर चीज़ में होशियार होती है, पढ़ाई लिखाई में, दूसरों नॉलेज में, हर चीज़ में। इनकम भी उनकी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होती है आजकल तो, दो दो तीन तीन लाख पगार भी होती है, तो वो उससे ज़्यादा होशियार होती है। तो एक्सेप्ट करने का कि आपने से होशियार है। तो अमिताभ बच्चन में बोले नहीं राजा एक ही होगा तो भी चलेगा, तो उसको राजा मानने का अपन सुन लेने का, सुनो कोई बड़ी बात नहीं होती, एक ही होना चाहिए। दो दो होंगे तो क्लैशेस होंगे, तो अब ज़्यादा पढ़े किया ज़्यादा वो होगी तो नहीं हो ज़्यादा नहीं। अभी उसकी इनकम सपोज को उसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी तो कल को कुछ सामान लेके आएगी, ठीक है, अभी आपकी पसंद का नहीं होगा तो बोले कि यार ये तो मैं मेरे पैसे से ला रही हूँ, तुमको क्या तकलीफ है ना। तो वहाँ से ईगो चलोगे क्या, तुम अपने पैसे का उर्वाद बता रही हो, हाँ तो ईगो नहीं होने चाहिए इसके लिए मैं बताऊँ। बाकी कभी कभी एक्सेप्टेंस भी अच्छा था कि कभी अभी शादी तो कर लिया कुछ नहीं कर सकते तो एक्सेप्ट कर लो कि वो ज़्यादा अच्छी तो उसकी सुन लो, सुन नहीं सकते तो फिर जनरली अपन कभी अभी आप कभी मेल डोमिनेटिंग इसमें से आते हैं तो मेल डोमिनेटिंग से आते हैं तो फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कभी आप, फिर है ना मेल डोमिनेटिंग नहीं, जैसे आपके यहाँ मम्मी की चलती होगी तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसमें कुछ बड़ी बात नहीं होगी। तो देखिएगा ईगो क्लेशेस नहीं होनी चाहिए, ईगो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ईगो में आदमी रिलेशन टूट जाएंगे तो भी चलता लेकिन वो झुकता नहीं है और ईगो को कंपनसेट नहीं कर सकते, कभी कभी ईगो रिलेशन को भी खा जाता है। तो ये सब चीज़ें मैंने इसके लिए बताया कि आप ईगो क्लेशेस नहीं हो, ने मेल डोमिनेंस वुमेन डोमिनेंस ऐसा नहीं हो इसके लिए बोला, ऐसा जरूरी नहीं है कि यार भी सुपेरियर हो गर्ल्स तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।